हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेजबान सारा जमान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए अमरीकी हिकमत अमली के आदाब दरअसल क्या हैं और उनके लिए वसाइल कैसे फराहम किए जाएंगे, तफसीलात आज के शो में। प्रोग्राम में और क्या कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश View 360। सदर डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाब के एक साल बाद उनके मुखालिफिन कहां खड़े हैं? अमरीकी सियासत में खवातीन की शमूलियत में इजाफा। I'm just the average person that said I had enough and I want to run for something। और पाकिस्तान में आज भी बच्चों में शरह अमवाद बुलंद क्यों है? DIG हामिद शकील की आज एक खुदकुश हमले में हलाकत, अपने ड्राइवर और सेक्रेटरी समेत जो हुई उससे मुल्क में सिक्योरिटी इदारों को दरपेश खतरात एक बार फिर नुमाया हो गए हैं। कोयटा में होने वाले इस हमले में राहगीरों समेत 8 अफराद जख्मी हुए। इसकी जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की है। ये कोयटा में पुलिस एहलकारों पर एक माह में दूसरा बड़ा हमला है। खैबर एजेंसी की वादी राजगाल में भी पाक फौज की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों की फायरिंग से एक फौजी जवान जाँ बहक हो गया है, जबकि जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्द हलाक और 4 के जख्मी होने की इत्तला है। खैबर एजेंसी के तमाम इलाकों में 15 जून से फौज का ऑपरेशन खैबर 4 जारी है। दूसरी जानब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए अमरीकी इंतजामिया के अहदाफ क्या हैं और उनके लिए वसाइल कैसे फराहम किए जाएंगे, इससे मुतल्लिक कांग्रेस में गुज़िश्ता रोज एक समाअत हुई। अमान अजहर इस वक्त कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं। अमान, इस हियरिंग की तफसीलात क्या हैं? जी, ये 2 कायमा कमेटियों की मुश्तरका समाअत थी जिसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए साल 2018 के लिए मुजवजा बजट पर सवाल और जवाब का सिलसिला हुआ और इंतजामिया की जानब से जवाब देने के लिए एक्टिंग नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान पाकिस्तान एलिस वेल्स और USAID के एक सीनियर नुमाइंदे मौजूद थे। ये बजट अगले साल का जो बजट मुजवजा है ये 1.1 बिलियन डॉलर पर मुश्तमिल है, जिसमें तकरीबन 345 मिलियन डॉलर पाकिस्तान के लिए जबकि 800 मिलियन डॉलर के करीब अफगानिस्तान के लिए मुख्तस किए गए हैं। और ये पिछले साल की निस्बत तकरीबन 45% इसमें कमी हुई है। जहाँ तक रही कुछ तहफ़ुज़ात जो मेहमान की जानिब से सामने आए, उसमें एक बात यह हुई कि सामने वाज़े तौर पर आई कि अमरीकी नुमाइंदगान और अवाम दोनों 16 साल से जारी जंग से तंग हैं। उन्होंने नुमाइंदा खसूस से पूछा कि आखिर ये जंग ख़त्म कब होगी, जिसका जवाब देने से उन्होंने माजरत की। कुछ बात इस तशवीश ये भी पाई गई कि 45% की जो कमी है अगले साल के बजट में, उससे अमरीकी खारजा पॉलिसी के अहदाफ हासिल करने में क्या मुश्किल पेश आएंगी, जिस पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। और पाकिस्तान के किरदार पर भी खुलकर गुफ्तगू हुई, जिसमें टेड योहो जो कांग्रेसमैन है उन्होंने कहा कि अगर 9/11 के बाद दसियों अरब डॉलर मिलने के बावजूद भी पाकिस्तान अमरीकी खारजा पॉलिसी के अहदाफ हासिल करने में मददगार साबित नहीं हुआ तो अब कैसे होगा, और दहशतगर्दी के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। तो बाद में एलिस वेल्स जो नुमाइंदे खसूसी हैं उनसे गुफ्तगू करते हुए मैंने पूछा कि क्या आज पाकिस्तान अमरीकी मौकफ के कितना करीब है, तो उनका कहना था पाकिस्तान को मालूम है कि अमेरिका अफगानिस्तान से नहीं जा रहा और हम तालिबान को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म हैं। नतीजतन बहुत से अंदाजे बदल जाएंगे। हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान में अपनी कौमी सलामती के हवाले से जायज़ अहदाफ हैं और हमारा मौकफ है कि इन अहदाफ को हासिल करने का बेहतरीन तरीका मुज़ाकिरात हैं और तालिबान पर दबाव डालना कि मुज़ाकिरात की मेज़ पर आने का वक्त आ गया है। और इसी हवाले से एलिस वेल्स ने पाकिस्तान में बढ़ती मजहबियत के पाकिस्तानी माशरे पर पड़ने वाले असरात पर गुफ्तगू करते हुए कहा, दहशतगर्द ग्रोहों के जरिए आज की दुनिया में दिफाई अहदाफ हासिल नहीं किए जा सकते। दरहकीकत हम देख रहे हैं कि ऐसे ग्रोहों के बाइस पाकिस्तान का एतदाल पसंद माशरा और मजहबी रवादारी मुतासिर हुई है। पाकिस्तान बतौर माशरा तब्दील हो रहा है, इनमें से कुछ मनफी तब्दीलियों पर कुछ हलकों में तहफ़ुज़ात हैं। जी, और अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ने आखिर में ये बात भी दोहराई कि ये दहशत गर्द ग्रोह पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए खतरा है, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, जैश मोहम्मद हो या फिर हक्कानी नेटवर्क। जी अमान अजहर हमारे साथ थे कैपिटल हिल से, थैंक यू अमान।
और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पहला दौरा चीन तजारत के मैदान में कुछ अहम कामयाबियों के साथ खत्म हो गया है। दोनों मुल्कों के दरमियान 250 अरब डॉलर के तजारती माहदे तय पाए हैं। माजी में सदर ट्रंप तजारत का तवाजुन चीन के हक में होने पर सख्त तनकीद करते रहे हैं, लेकिन बीजिंग में बात करते हुए उन्होंने इससे कुछ हट कर कहा, आई डोंट ब्लेम चाइना। मैं चीन को मोरद इल्जाम नहीं ठहराता। आप एक मुल्क को अपने आवाम के खातिर दूसरे मुल्क का फायदा उठाने पर कैसे इल्जाम दे सकते हैं? मैं तो चीन को दाद देता हूं, लेकिन हकीकत यह है कि तिजारत में हमारे खसारे के लिए हमारी साबिक हुकूमतें जिम्मेदार हैं। सदर ट्रंप का अगला पड़ाव होगा वियतनाम, जहां वो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के सरबरा इजलास से खिताब करेंगे। व्हाइट हाउस मौशी मैदान में सदर की कामयाबियों पर तो खुशी का इजहार कर रहा है, लेकिन सियासी मैदान में सदर को मुल्क के अंदर अब तक की सख्त तरीन नाकामी का सामना इसी हफ्ते हुआ, जब न्यूजर्सी और वर्जीनिया के रियासती इंतखाबात डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीत लिए। इससे क्या इशारा मिल रहा है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। न्यूजर्सी में नए मुंतखब गवर्नर डेमोक्रेट फिल मर्फी अपने इंतखाब को सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोटर्स की जानिब से एक तंबीह समझते हैं। New Jersey sent an unmistakable message to the entire nation. We are better than this. जबकि रियासत वर्जीनिया में डेमोक्रेट राल्फ नॉर्थम अपने रिपब्लिकन हरीफ को हराकर कामयाब हुए। The divisiveness, the hatred, the bigotry, the politics that is tearing this country apart is not That's not the United States of America. तजियाकारों की राय में इन इंतखाबात में वोटर्स की राय बनाने के हवाले से सदर ट्रंप की शख्सियत और उनकी कारकर्दगी ने अहम किरदार अदा किया है। हम कई माह से बाएं बाजू की सियासत में पैदा होने वाली तवानाई की नई लहर के बारे में सुन रहे थे, लेकिन इसका अमली मुजाहरा इस इलेक्शन के दौरान हुआ है। ये एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप के नेशनलिस्ट प्रोग्राम को रद्द कर दिया जाना है। अगर जिस सदर ट्रंप ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि रिपब्लिकन उम्मीदवार की हार की वजह उनकी कैंपेन के दौरान अमरीकी सदर को मुकम्मल तौर पर हिमायत ना देना था, दोनों रियासतों के इब्तदाई पोल से वाजे था कि सदर ट्रंप बहुत से डेमोक्रेटिक वोटर्स के वोट डालने के लिए घरों से निकलने की बड़ी वजह थे। तजियाकार रिचर्ड हैरिस की राय में इसका मतलब अगले साल के मिड टर्म इंतखाबात में रिपब्लिकन जमात के लिए मुश्किलात में इजाफा भी हो सकता है। इसकी अलामत यह है कि महसूस होता है कि डेमोक्रेटिक वोटर्स को खास तौर पर स्विंग स्टेट्स में वोट डालने पर आमादा करना आसान हो चुका है। इन इलेक्शंस के नतीजे की खबरें सदर ट्रंप की सदारत के एक साल पूरे होने की एनिवर्सरी पर छाई रहीं। डेमोक्रेटिक पार्टी की ये कामयाबियां एक ऐसे अमरीकी सदर के सियासी पांसे में तब्दीली के हवाले से अहम तब्दीली का पेश खैमा हो सकती हैं, जिनकी आवाम में मकबूलियत तारीखी लिहाज से कमतरीन रही है। जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप ने कबायली इलाकों में वॉइस ऑफ अमेरिका और पश्तो जुबान में नशरियात पेश करने वाले दीगर अमरीकी रेडियो चैनल्स के खिलाफ मुजाहरों की कॉल दी है। उनकी शिकायत क्या है, जानने के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां आप ताज़ा तरीन खबरों समेत अहम मौजूदात पर मालूमती मजामीन पढ़ सकते हैं। और पाकिस्तान में बच्चों की सेहत के एक अहम मसले के बारे में हम बात करेंगे प्रोग्राम में आगे चलकर। पहले देखते हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मिलने वाली कुछ अहम खबरों की झलकियाँ वर्ल्ड व्यू में। लबनान हुकूमत के एक आला ओहदेदार का कहना है कि उनका खदशा है कि सऊदी अरब ने साद हरीरी को कैद कर रखा है। ओहदेदार के मुताबिक सऊदी अरब का ये इकदाम लबनान के खुद मुख्तारी पर हमला है और हरीरी की रिहाई के लिए आलमी मुमालिक से मदद तलब की जाएगी। कोलंबिया की पुलिस ने किसी एक कार्रवाई में पकड़ा जाने वाला मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कोकेन का जखीरा कब्जे में ले लिया है। सदर हुआन मैनुअल सांतोस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि कोकेन की कीमत अमरीकी मार्केट में 360 मिलियन डॉलर है, जो कोलंबिया के सबसे बड़े स्मगलर और ट्रोनियल की मलकियत है। अकवामे मुत्तहिदा ने सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों से मुतालबा किया है कि वो यमन में जिंदगियां बचाने वाली अशिया की तरसील में रुकावट का फौरी खात्मा करें। अकवामे मुत्तहिदा के मुताबिक अशियाई जरूरत की फराहमी में रुकावट के बायस यमन में इंसानी बहरान की सूरत हाल पैदा हो सकती है। भारत की दारुल हुकूमत नई दिल्ली में फिजाई आलूदगी से पैदा होने वाली स्मोक के बायस इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इस स्मोक की आलूदगी में हर घंटे इजाफा हो रहा है, जिसके बायस लोगों को घरों से कम बाहर निकलने की हिदायत की जा रही है और स्कूलों को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान, एजुकेशन या कोई इंटरनेशनल स्टेज, जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए,
इस्तेमाल किया है। जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। View 360 सिर्फ आज न्यूज पर। ट्रंप के इंतखाब के एक साल बाद न सिर्फ हिजब इख्तलाफ की जमात डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस हफ्ते अहम इंतखाबात जीते हैं बल्कि कुछ अकलियतों को भी बड़ी सियासी कामयाबियां मिली हैं। रियासत वर्जीनिया में पहली बार एक ट्रांसजेंडर 33 साल डेनिका रोम को रियासती असेंबली के लिए मुंतखब किया गया। ये जीत इसलिए भी अहम है कि सदर ट्रंप फौज में ट्रांसजेंडर की भर्ती पर पाबंदी का हुक्म दे चुके हैं। इसके अलावा रियासत न्यू जर्सी के शहर होबोकन में पहली बार एक सिख अमेरिकन रवि भल्ला को मुंतखब किया गया। रवि के खिलाफ नस्ली मुनाफरत पर मबनी पैगाम फैलाने वालों को सख्त तनकीद का सामना भी करना पड़ा। और अब अमरीका की सियासत में खवातीन की तादाद भी बढ़ रही है। तवक्को है कि 2018 में कांग्रेस की बड़ी तादाद में नशस्तों के लिए खवातीन उम्मीदवार कामयाब होंगी। आइए मिलते हैं कुछ ऐसी खवातीन से जो पहली बार इंतखाब लड़ने की तैयारी कर रही हैं। शहर में होने वाली परेड्स अपने तमाम तर रिवायती रंगों के साथ यहाँ की मकबूल तरीन तफरी है और इस सब हल्ले गुल्ले में देखी जा सकती हैं लोगों से हाथ मिलाती एक सियासी उम्मीदवार जेनिफर जोर्डिनी। सियासत में नहीं है, वो एक अरसे से देख रही थी कि उनके इलाके के रिपब्लिकन कांग्रेसमैन की खदामत पसंदी में इजाफा हो रहा था। मैंने सोचा कि क्या मैं सिर्फ शिकायत और उम्मीद करती रहूंगी कि चीजें बदलें या फिर मैं खुद बाहर निकलकर इसके लिए काम करूंगी। लेकिन पहले उन्हें प्राइमरी इंतखाबात में इन खातून से मुकाबला करना होगा और इन खातून से भी जो बुक स्टोर की मालिक और शहर की काउंसिल वुमन भी हैं और इसके अलावा उन तमाम खवातीन से। ओके, लेट्स सी, कैरल चेनी, केली मज़ेस्की, अमांडा हाउलिंग। दरअसल इस दौड़ में कुल मिलाकर एक दो या तीन नहीं बल्कि पूरी 6 डेमोक्रेटिक खवातीन हिस्सा ले रही हैं। इसलिए जोर्डिनी के लिए अहम है। अगर वो जीत जाती हैं तो जोर्डिनी तारीख में इलिनॉय के 6 डिस्ट्रिक्ट की वोटर्स की नुमाइंदगी करने वाली पहली खातून होंगी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। कैलिफोर्निया में आजा स्मिथ ये बदलने की कोशिश कर रही हैं। आजा हेटी से ताल्लुक रखने वाली अफ्रीकन अमेरिकन है जो सियासत में नई है। आजा स्मिथ कहती है कि अकलियती खवातीन इलेक्शंस पर आने वाले खर्च से डरती हैं। लेकिन उन्होंने $10,000 इकट्ठा किए हैं और जनवरी तक वो 1,00,000 जमा करने का इरादा रखती हैं। They promise all these jobs, but guess what? The majority of all of them are automated. आज अमरीकी फौज में खिदमात सर अंजाम दे चुकी हैं जबकि उनके मद्दे मुकाबल मौजूदा डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन का ताल्लुक कभी फौज से नहीं रहा। मैं एक आम इंसान हूं जिसने सोचा कि बहुत हो गई, अब मैं खुद कुछ करना चाहती हूं और अपनी आवाज़ दूसरों तक पहुंचाना चाहती हूं। आजा के मुताबिक वो अपनी कम्युनिटी जैसी दिखाई देती हैं, ना कि रिवायती रिपब्लिकन उम्मीदवार की तरह जिन्हें वो गोरे अमीर बूढ़े आदमी से तशबीह देती हैं। ये रिपब्लिकन ग्रुप स्मिथ की हिमायत करने का सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि ये मुश्किल है, खुसूसन इन सियासी हालात में। मेरे ख्याल में इसके लिए बहुत हौसला चाहिए। और आजा स्मिथ और जेनिफर जोर्डिनी जैसी तकरीबन 400 खवातीन में वो हौसला है जो अगले साल कांग्रेस के इलेक्शन में खड़े होने के लिए चाहिए। अगर उनकी अक्सरियत प्राइमरी मरहले में कामयाब हो जाती हैं तो 2018 खवातीन का साल हो सकता है। कैरोलाइन परसूरी के साथ सबाशा खान, उर्दू VOA। भर में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में 1 साल के दौरान होने वाली अमवात तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। अकवामे मुत्तहिदा के मुताबिक ये नंबर अब 60,00,000 तक गिर चुका है और इसमें मजीद कमी भी लाई जा सकती है। आइए देखते हैं इस बारे में एक रिपोर्ट और फिर पाकिस्तान की सूरत हाल पर बात करेंगे। सन 1990 में हर रोज 35,000 नौ मौलूद मौत के मुंह में चले जाते थे। गुज़श्ता बरस ये शरह 15,000 रोजाना थी। बच्चों की अमवात में इस बड़ी कमी के पीछे आलमी सतह पर की जाने वाली गैर मामूली कोशिशें कारफरमा हैं। The progress is very good and is continue,
یہ بہت اچھی پیش رفت ہے اور مسلسل جاری ہے، تاہم اس کی رفتار خاصی سست ہے اور ان اموات کو بھی روکا جا سکتا ہے اس سائنسی علم، ایجادات اور وسائل سے جو ہمیں دستیاب ہیں۔ اور یہی المیہ ہے، بچوں اور خیرخواروں کی شرح اموات پر اقوام متحدہ کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق ہر سال 5 برس سے کم عمر لاکھوں بچے نمونیا اور اسہال جیسی قابل علاج بیماریوں سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس میں نصف اموات کی وجہ ناکافی اور ناقص غذا ہے۔ اگرچہ اب پہلے سے زیادہ تعداد میں بچے اپنی 5ویں سالگرہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 46% بچے پیدائش کے فوراً بعد موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شروع کے چند ماہ میں ہونے والی اموات کی ایک بڑی وجہ وقت سے پہلے پیدائش ہے۔ اس کی ایک وجہ بچے کا کم پیدائشی وزن بھی ہے۔ اس کے علاوہ پیدائش کے دوران ہونے والا شدید انفیکشن اور آکسیجن کی کمی بھی ان اموات کی بڑی وجہ ہیں۔ بالغوں کی نسبت 5 برس سے کم عمر بچے نمونیا کی وجہ سے موت کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ سب سہارا افریقہ اور ایشیا کے کچھ حصوں میں باقی دنیا کے مقابلے میں بچوں میں موت کی یہ ایک بڑی وجہ خیال کی جاتی ہے، تاہم اس کا ایک روشن پہلو بھی ہے۔ پیلے بخار اور ملیریا کے لیے ویکسینز کی مدد سے اب بہت سے بچوں کی زندگیاں بچائی جا رہی ہیں۔ یہ مسئلہ کافی بڑا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق بچوں میں اموات کی شرح میں کمی کے باوجود آج سے 2030 کے درمیان 5 برس سے کم عمر تقریباً 6 کروڑ بچے موت کا شکار ہوں گے، جن میں نصف تعداد نومولود بچوں کی ہے۔ فلاویا بسرو کہتی ہیں کہ ان میں سے زیادہ تر اموات سے بچا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیدائش سے قبل اور بعد میں ماں اور بچے کی صحت کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کی ضرورت ہے۔ سعدیہ اسد، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360, صرف آج نیوز پر۔ اقوام متحدہ کے مطابق پاکستان کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں اب بھی بچوں کی بڑی تعداد بلوغ تک نہیں پہنچ پاتی۔ 2016 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ہر 1,000 بچوں میں سے 79 پانچ سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے دم توڑ دیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے، اس بارے میں ہم بات کریں گے آغا خان یونیورسٹی کراچی میں بچوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا سے۔ ڈاکٹر بھٹا، ویلکم ٹو ویو 360۔ ہم نے دیکھا اقوام متحدہ کی جو نئی رپورٹ آئی اس میں کہا گیا کہ ایک تو ریکارڈ جو ہے ڈیکریز ہوا ہے بچوں کی اموات میں دنیا بھر میں ہی، نمبر اور بھی ڈراپ ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں سکسیس تو ہوا اس حوالے سے، لیکن ابھی بھی کیا ایشوز ہیں جن کی وجہ سے پاکستان ہائر مورٹیلٹی ریٹ والے ملکوں میں آتا ہے؟ السلام علیکم۔ اس جو اقوام متحدہ کی رپورٹ میں جس چیز کی نشاندہی کی گئی ہے وہ یہ کہ پاکستان میں بچوں کی اموات کی کمی کی شرح جو ہے وہ باقی ممالک کی نسبت کہیں کم ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو سن 1990 سے لے کر 2016 کے درمیان ہماری ہی قرب و جوار میں جو ممالک ہیں ان میں تقریباً 4 سے 5% سالانہ تخفیف ہوئی ہے، جبکہ پاکستان میں یہ شرح تقریباً 2% کے قریب ہے۔ تو یقینی طور پہ اس سے کہیں بہتر ہم کر سکتے تھے، اور نہ کرنے کی وجوہات میں کئی چیزیں شامل ہیں، جس میں ایک تو پاکستان میں آبادی کی بڑھوتی ہے کیونکہ اسی دوران میں ان 27 سالوں میں آبادی کہاں سے کہاں جا پہنچی ہے۔ دوسرا یہ وسائل کی کمی کے باعث ہمارے جو دیہی اور پسماندہ علاقے ہیں، خاص طور پہ وہ علاقے جو کہ کافی دور افتادہ ہیں، وہاں اس طرح کے وسائل اور اس طرح کی سہولیات میسر نہیں ہیں جن سے بچوں کی اموات پہ تخفیف ہو سکے۔ تو وسائل کی کمی، ٹھیک ہے جی، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ وسائل کی کمی، ہم جانتے ہیں پاکستان میں ہاسپٹلز کی جو صورتحال ہے اب تو سوشل میڈیا پہ بھی بہت شیئر کیا جاتا ہے۔ یہ بتائیے کہ جب لوگ آپ کے پاس اپنے بچے کو لے کر آتے ہیں تو عام طور پہ آپ کیا دیکھتے ہیں، کون سی ایسی غلط فہمیاں ہیں والدین کو جن کے سبب بچے مزید مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں یا بالکل موت کے منہ میں جانے والے ہوتے ہیں؟ جس طرح فلاویا بسٹریو ابھی بتا رہی تھی کہ پاکستان میں 5 سال سے کم عمر کی اموات میں سے آدھی تو نوزائیدہ بچوں میں پہلے 1 ماہ میں، تو سب سے بڑا جو ہمیں کام کرنا ہے پاکستان میں، جو عوام الناس کو بھی شعور دینا ہے، وہ یہ کہ ماں اور نوزائیدہ بچے کی صحت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ولادتیں جو ہیں ہسپتالوں میں ہوں،
अभी तक तकरीबन 50% के करीब बलात्कार जो हैं वो देहातों में हो रही हैं, गांव में हो रही हैं, घरों में हो रही हैं और अस्पतालों में नहीं हो रही। दूसरा जो बाज ऐसे प्रिवेंटिव किस्म की चीजें हैं जो हर वालदेन को करना चाहिए, जिसमें बच्चों के लिए हिफाजती वैक्सीन हैं जिनको आप हिफाजती टीके कहते हैं आम इस्तेलाह में, उनकी भी अगर आप शरह देखें तो तकरीबन पाकिस्तान में आधे बच्चों को हिफाजती टीके नहीं मुयसर। इसमें कुछ हद तक कसूर हुकूमत का है और इसमें कुछ कसूर लोगों का भी है जो अपने बच्चों को ले जाकर हिफाजती टीके नहीं दिलवाते। और अगर आप देखें तो एक बुनियादी चीज जो हमारे मुल्क में बच्चों की अमवात के पीछे है वो ब्रेस्ट फीडिंग या माँ का दूध ना देने की वजह से। अगर हम शरह देखें उन बच्चों की जिनको 6 माह की उम्र तक सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाता है और दीगर चीजें नहीं दी जाती, जो कि दुनिया में इस वक्त राइज है तरीका, तो शरह तकरीबन 20-30% के करीब है, जो कि मेरे अंदाजे के मुताबिक यही नाकाफी। आपने हिफाजती टीकों की बात की, इन पर बहुत जोर भी दिया जाता है, अच्छी गजा की बात की जाती है, अच्छी सेहत के लिए जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत से खानदान शरीद गुर्बत का सामना कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं? देखिये ब्रेस्ट फीडिंग या माँ का दूध देने में तो वो गुर्बत का इतना अमल दखल नहीं है, लेकिन वैक्सीन और खुराक। जी हाँ, देखिये वैक्सीन का जहाँ तक ताल्लुक है, इसमें मैं यकीनी तौर पर समझता हूँ कि हुकूमत को इसमें काफी हद तक कोशिश करनी चाहिए कि हर इलाके में, खासतौर पर हमारे देही और पसमानदा इलाकों में जिसमें हमारी कच्ची आबादियां भी शामिल हैं, ऐसा एक जाल फैलाया जाए कि ये हिफाजती टीके हर बच्चे को मयसर हों। खुशकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान में हर वो वैक्सीन सरकारी इदारों में मौजूद है जो कि दुनिया के बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक में दी जाती हैं बच्चों को, जिसमें निमोनिया की वैक्सीन होगी, जिसमें इसहाल की वैक्सीन होगी। अब ये वैक्सीन देने के लिए जरूरी यह है कि एक तो हमारे पास वैक्सीनेटर हों, दूसरा ये कि अगर माँ बाप अपने बच्चों को लेकर जाएं ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर्स में तो वहां ये ना उनको देखना पड़े कि जी आज वैक्सीन नहीं आप कल आइए, या इस वक्त वैक्सीन मुयसर नहीं आप शाम को आइए। तो ये हम वक्त इन वैक्सीन की मौजूदगी और खासतौर पर वो तरीके जिसके जरिए अवाम नास में ना सिर्फ ये कि शऊर बल्कि जज्बा पैदा किया जाए कि अपने बच्चों को 100% वैक्सीनेशन दिलवाएं, ये बहुत जरूरी है। कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान के तरह के दूसरे और कौन से मुल्क हैं जिनसे पाकिस्तान कुछ सीख सकता है, अगर आप मुख्तसरन बता सकें कोई सक्सेस स्टोरीज? हम अपने कुर्बो जवार में देख सकते हैं। मैं इस वक्त जहां से आपसे मुखातिब हूं, मैं बांग्लादेश में बैठा हुआ हूं। जब बांग्लादेश वजूद में आया था उस वक्त बांग्लादेश में बच्चों की शरह अमवात पाकिस्तान या वेस्ट पाकिस्तान की नस्बत कहीं ज्यादा थी। आज ये देखिए, आज इनकी शरह, नेपाल की शरह बच्चों में अमवात की तकफीफ के मुताबिक दुनिया के बेहतरीन ममालिक में शामिल होती है। और इन्होंने ये किस तरह किया है? इस वास्ते कि इन्होंने तवज्जो दी है बच्चों और माओं की सेहत पर। इन्होंने अपने महदूद वसाइल के बावजूद प्रोग्राम ऐसे नाफिज किए हैं कि जिसमें हुकूमत के साथ साथ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हों, यहाँ के लोगों में शऊर दिलवाया जाए, खासतौर पर तालीम पे जब तक जोर होगा ये सारी चीजें वापस खुद खुद आएंगी। और ये एक ऐसा इशू है जिसपे गवर्नमेंट, गैर सरकारी इदारे और जो वालदैन खानदान है उन सबको एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। डॉक्टर भुट्टा, आपके वक्त का और जो मालूमात आपने हमें दी उनके लिए बहुत शुक्रिया। और ये था हमारा आज का व्यू 360। आपकी तजावीज का हमें इंतजार रहेगा, इसके लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर, एड्रेस है facebook.com/voaurdu। और अगर आप ट्विटर के जरिए हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा ट्विटर हैंडल है @voaurdu। जाते जाते आइए देखते हैं वाशिंगटन के गिद्ध नवा में मौसम खजां के दिलकश रंग।